हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वॉल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स और उनका वर्किंग प्रिंसिपल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्व और उसका फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। तो वॉल्व एक डिवाइस है जो कि कंट्रोल करता है या फिर डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो जो भी फ्लूइड है, इस केस में लाइक लिक्विड, गैसेस, सॉलिड जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है लाइक स्लरी, तो उसके फ्लो को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने का काम वॉल्व करता है। और ये रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने का काम वॉल्व के जो पैसवेज हैं, जो कि आने जाने का रास्ता है, उसको या तो पूरी तरह ओपन करेगा, या तो पूरी तरह क्लोज करेगा, या फिर पार्शली जितना चाहिए उतना ओपन या फिर क्लोज करेगा। तो ये होता है वॉल्व और ये है उसका फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्स पे। तो मैंने टोटली 10 वॉल्स सेलेक्ट किए हैं जो कि क्वाइट कॉमन है इंडस्ट्रीज में, और आगे का जो वीडियो है इन 10 वॉल्स के पे ही रहेगा। और भी बहुत से वॉल्स हैं पर वो उतने यूजफुल नहीं है, उतने कॉमनली मिलते नहीं हर जगह। सो स्टार्ट करते हैं ऑन टाइप्स ऑफ वॉल्स। सबसे पहला है बॉल वॉल्व। तो इस केस में वॉल्व के सेंटर पे एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा जो कि हैंडल के साथ कनेक्टेड रहता है, और हैंडल के मूवमेंट से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं आप, या तो जीरो या फिर फुल फ्लो या फिर जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना। तो पर्टिकुलर एंगल पे आपको रिट्रीट करना पड़ेगा, दैट इज फ्रॉम 0 to 90 degree। और इसका जो इमेजेस है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है बॉल किस तरह का होता है, और अपस्ट्रीम जहाँ से फ्लो आ रहा है और डाउनस्ट्रीम जहाँ पे फ्लो जाना है। और हैंडल को आप अपने डिजायर्ड एंगल पे रोटेट कीजिए। अगर 100% क्लोज करना है जैसे कि इस पिक में आपको दिख रहा है तो कुछ इस तरह रहेगा, और फ्लो को कम या थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो आप हैंडल को उसी रेशियो में इंक्रीज़ करेंगे। और अगर फुल चाहिए तो बैक टू लाइक अभी 90 डिग्री है तो उसको 0 degree कीजिए। नेक्स्ट है ग्लोव वॉल्व, जो कि बॉल वॉल्व की तरह है, बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि बॉल वॉल्व में बॉल सेंटर में था, पर ग्लोव वॉल्व में मूविंग प्लग या फिर डिस्क एलिमेंट रहेगा जो कि फ्लो को रेगुलेट करता है। तो इसको नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड में काफ़ी क्लियर है ग्लोव वॉल्व किस तरह दिखता है। और इस केस में जो वॉल्व के सेंटर में है ब्लू कलर का, वो मूविंग डिस्क या फिर प्लग है जो कि हैंडल के साथ कनेक्टेड है और फ्लो को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है गेट वॉल्व या फिर नाइफ गेट वॉल्व। तो ये वॉल्व उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं जहाँ पे फ्लो या तो 100% लाइन में रहेगा या फिर फ्लो को 100% शट ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है। तो इस केस में वॉल्व दो पोजीशन पे ही काम करेगा, दैट इज इन फुल्ली ओपन पोजीशन या फिर फुल्ली क्लोज पोजीशन। इस स्लाइड में आप नाइफ गेट वॉल्व को देख सकते हैं। दोनों गेट वॉल्व या फिर नाइफ गेट वॉल्व का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये दोनों वॉल्व बहुत ही टफ या फिर हार्श एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और ऑन ऑफ के लिए ही इनको यूज़ किया जाता है, कंप्लीट आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ टाइप्स हैं नाइफ गेट वॉल्व के जिनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बटरफ्लाई वॉल्व पे। तो ये पर्टिकुलर वॉल्व जो भी फ्लूइड है उसके फ्लो को आइसोलेट भी करता है लाइक 100% ओपन 100% क्लोज भी करेगा, और रेगुलेट भी करेगा लाइक आपको जितना फ्लो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं। और उसको सेट करने के लिए आप जो राइट साइड की इमेज है उसमें आप देख सकते हैं एक्चुएटर लगा है, या फिर अगर मैनुअली करना है तो आप हैंडल के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डायफ्राम वॉल्व। तो इस पर्टिकुलर केस में फ्लो को कंट्रोल या फिर मॉनिटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलास्टोमेरिक डायफ्राम या फिर रबर डायफ्राम, जो कि दो होस दो पोर्ट्स के बीच में रहता है वॉल्व के। और उस पर्टिकुलर डायफ्राम को हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंडल, न्यूमेटिक एयर के थ्रू हेल्प ऑपरेट कर सकते हैं, हाइड्रोलिकली ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक सोलेनोइड वॉल्व के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इस स्लाइड में बहुत क्लियर हो जाएगा डायफ्राम वॉल्व कैसे काम करता है। तो जो डार्क ब्लैक में दिख रहा है पार्ट, वो डायफ्राम है जो कि रबर का बना रहता है, तो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, और विद द हेल्प ऑफ हैंडल या फिर एनी अदर एक्चुएटर उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहले केस में 100% ओपन है, सेकंड केस में आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं अपने डिजायर्ड फ्लो के अकॉर्डिंग, और थर्ड केस में फाइनली क्लोज करने के लिए।
आप उसको फुल्ली हैंडल को फुल्ली रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं चेक वाल्व पे। तो इस वाल्व के लिए दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कोई भी फ्लूइड, लिक्विड और गैस, वो यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करेगा, बाई डायरेक्शनल वाल्व नहीं है ये। सेकंड, किसी भी फ्लूइड को इस वाल्व के थ्रू पास करने के लिए एक मिनिमम प्रेशर खुद से जनरेट करना होता है, जो कि वाल्व के जो इंटरनल प्रेशर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस केस में देखिए, एक स्प्रिंग फोर्स रहेगा और उस फोर्स को ओवरकम करने के बाद ही कोई भी फ्लूइड, लिक्विड और गैस इस पर्टिकुलर वॉल से पास कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेशर रिलीफ वॉल्व या फिर रिलीफ वॉल्व, जिसको PRV भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है चेक वॉल्व की तरह। और इस केस में जब भी किसी भी सिस्टम का, किसी भी इक्विपमेंट का, फॉर एग्जांपल कंप्रेसर, प्रेशर एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट्स को एक्सीड करता है, तो ये वॉल्व यूज़ किया जाता है एज अ सेफ्टी डिवाइस और उस एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने में हेल्प करता है। इसके पिक देख सकते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है नीडल वॉल्व। तो इस पर्टिकुलर केस में नीडल के फॉर्म का डिस्क या फिर प्लंजर यूज़ किया जाता है फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। और ये पर्टिकुलर वॉल्व बहुत ही लो कैपेसिटी फ्लो के केस में काम करता है, और जहाँ पे बहुत ही प्रिसीजन, लाइक बहुत ही कैलकुलेटेड फ्लूइड को सेंड करना हो एक जगह से दूसरे जगह पे, वहाँ पे ये पर्टिकुलर वॉल्व यूज़ किया जाता है। इस स्लाइड में आप नीडल वॉल्व के पार्ट्स को देख सकते हैं, और उस नेक्स्ट स्लाइड में आपको नीडल वॉल्व कैसा दिखता है वो मिल जाएगा। लास्ट है प्लग वॉल्व। और इस केस में जो वॉल्व है वो फिटेड रहता है सिलेंड्रिकल या फिर कोनिकल प्लग्स वॉल्व के सेंटर में, और ये प्लग्स जो भी फ्लो है लिक्विड का, फ्लूइड का, उसको रेगुलेट या फिर मॉनिटर करता है। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ प्लग वॉल्व, और प्लग वॉल्व कैसा दिखता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जितने भी वॉल्व्स हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।